गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय का लगातार विरोध जारी है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा क्षत्रिय समाज और मातृशक्ति पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर पूरे देश में कर्णी सेना द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में भोपाल के महाराणा प्रताप चौक पर केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन किया गया। कर्णी सेना के पदाधिकारियों ने रूपाला की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने क्षत्रिय समाज का अपमान किया है, ऐसे व्यक्ति का लोकसभा टिकट काटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज बीजेपी का स्थायी वोटर रहा है, यदि केंद्रीय नेतृत्व रूपाला का टिकट नहीं काटता है तो भारत का क्षत्रिय समाज घर घर जाकर बीजेपी के विरुद्ध वोट करने की मुहिम चलाएगा। भोपाल में एमपी नगर चौराहे पे हमने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का पुतला दहन किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कर्णी सेना परिवार और क्षत्रिय समाज के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। कारण ये है कि इनने जो क्षत्रिय समाज के विरुद्ध गुजरात में हमारी मातृशक्ति के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की है, उसमें पूरा देश आक्रोशित है। आप देखेंगे गुजरात में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, यूपी में चल रहा है। और यही वही क्षत्रिय समाज है जिसने हमेशा भारत में भाजपा का स्थायी वोटर बनकर काम किया। यदि चार स्तंभ में से एक स्तंभ क्षत्रिय समाज है और आज उनको ही अपमानित करने का कार्य भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारा पहला प्रदर्शन नहीं है, ऐसे भाजपा जो रजपुंजीय नेता बने घूम रहे हैं, आए दिन कोई भी कोई क्षत्रानियों को लेके अभद्र टिप्पणी कर देते हैं और इसी तरह हम रोडों पर आते हैं और उनका पुतला जलाते होते हैं। ये किस तरह का अपना एक मद पद में घूम रहे हुए हैं? क्या बड़े नेताओं को दिखता नहीं कि अपने रजपुंजीय नेताओं को रोके आए दिन क्षत्रानियों को क्या समझाए? जो देखो वो छतानियों पे अभद्र टिप्पणी करके खड़ा हो जाता है। क्या छतानियों की गाथा नहीं पता इनको? क्या ये नहीं जानते कि ये कहां से पैदा होकर आई है? आप देख रहे हैं दखल न्यूज।